IMS ID in UDM, just log in here. सबसे पहले आपको लेजर फोलियो एंड आइटम्स, अगर आप नया आइटम बनाना चाहते हैं तो आप उसे किस लेजर में रखना चाहते हैं वो आपको डिसाइड पहले करना होगा। उसके बाद उसका फोलियो, लेजर के अंदर फोलियो फोलियो किस कैटेगरी की मेडिसिन्स है। हमने लेजर में सिर्फ दो ही लेजर रखी है, एंड कंज्यूमेबल आइटम्स। तो मेडिसिन के अंदर जो फोलियो है वो हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सपोज अब मेरी मेडिसिन है, मुझे एक मेडिसिन रिसीव करनी है, रोजुवास 40 MG। सबसे पहले आपको अपने आइटम में चेक करना है कि क्या वो ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं है। हेयर सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे रोजुवास स्टेटिन। अब यहाँ पे रोजुवास 40 MG नहीं है, तो मुझे नया आइटम क्रिएट करना है, तो वो आपको फोलियो में क्रिएट करना है। आइटम यहाँ से चेक करना है कि क्या आपका आइटम बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो आप फोलियो में उसी कैटेगरी में जाएंगे जिस कैटेगरी में आपको वो चाहिए, और यहाँ प्लस का एक साइन आपको मिलेगा, क्रिएट लेजर फोलियो आइटम। यहाँ से आप नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आपको देखना है कि जो ड्रग आप ले रहे हैं, कोशिश करें उसकी कैटेगरी जो सेम ड्रग्स है उसकी पहले चेक कर लें कि वो किस फोलियो के अंदर है। से कार्डियक के अंदर है रोजवास्टेन, तो मुझे 40 भी कार्डियक में ही रखनी चाहिए, इससे मेडिसिन्स एक जगह सेग्रीगेट रहेगी। सो कार्डियक ड्रग के आगे ऑप्शन मिलेगा प्लस, क्रिएट लेजर फोलियो आइटम। यहां से आपको अपना आइटम सेलेक्ट करना है, जैसे हम यहां से करते हैं, हमारा नॉन स्टॉक है और जिनका स्टॉक है उन्हें स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है। और अभी हमारे लिए ये दोनों ही नहीं कर रहे हैं, हमें HMIS आइटम ही सेलेक्ट करना है, ये दोनों ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें HMIS आइटम सेलेक्ट करते ही एक आगे हमें डिफरेंट टैब मिलेगा जिसमें लिखा होगा HMIS आइटम। यहां से फर्स्ट लिंकेज स्टार्ट होता है HMIS के साथ। ये है जब हम नई ड्रग ऐड करते हैं तो उसे स्टार्टिंग में ही HMIS से कैसे मैप करना है, वो फर्स्ट ऑप्शन ये है। जब आप कोई भी नई ड्रग ऐड करते हैं अपने लेजर फोलियो के अंदर, फोलियो के अंदर मुझे कार्डियक के अंदर कोई ड्रग ऐड करनी है, तो कार्डियक में जब मैं नई ड्रग ऐड करूंगा तो मेरे पास पहला ऑप्शन ही मुझे मिलेगा HMIS आइटम का। मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, HMIS आइटम सिलेक्ट करना है। यहां से एक नई विंडो ओपन होगी जो आपको IDs दिखाएगी HMIS की, लाइक अब मुझे रोजुवास्टेटिन ऐड करनी है। जब आप रोजुवास्टेटिन को सर्च करेंगे तो ये जो IDs है ये HMIS की IDs है। सो यू नीड टू क्रॉस चेक फ्रॉम HMIS दैट दिस आईडी इज ओके वर्किंग और नॉट। सो हेयर यू मैप, यहां से आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहां आपको ये आईडी शो होने लग जाएगी। ये आपका पहला मैपिंग का तरीका है, फर्स्ट जब आप नया कोई आइटम लेते हैं। ऑलरेडी जो आइटम आपके पास है उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप जो नया आइटम मैप करते हैं HMIS में कि आपको कैसे मैप करना है, ये आइटम PL नंबर यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप आइटम कैटेगरीज जो भी आप फिल करते हैं अपने डेटाज वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ, इनिशियल स्टॉक 0, यूनिट नंबर, हेयर यू डोंट नीड टू ऐड ब्रांड और लाइक इफ यू हैव दिस PSC, अगर आप इसे PSC बनाना चाहते हैं इस आइटम को, यहाँ मेक गार्ड एंड कीजिए, नहीं तो यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको एक एवरेज रेट देना है उसका, पे एक लेजर खरीदी है और उसके एल के ऊपर, आर के ऊपर हम रोजुआ स्टेटिन लिख रहे हैं। इट इज लाइक दैट ओनली, पीओ से और किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं है। अभी सिर्फ हमने आइटम क्रिएट किया है और उसे HMIS से लिंक किया है। हम पेज के ऊपर नाम लिख रहे हैं रोजुआ स्टेटिन 40, और ये लेजर में किस पेज पे होगा ये आपको ये बताएगा।
किस लेजर में है, किस फोलियो में है, किस पेज पे है। बाकी यहां आपको कुछ भी नहीं भरना है। फॉर हॉस्पिटल यूज रिमार्क्स एंड सेव, ये पॉपअप विंडो आपको शो होगी जिसमें टोटल वैल्यू जीरो है बिकॉज हमारा इनिशियल स्टॉक जीरो है। कोशिश करें नया स्टॉक ही इसमें एंटर करें, पिछला स्टॉक या तो यहाँ ट्रांसफर करें, उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो मैं अगर आपको डिस्कस करना हो तो बाद में करेंगे। हाँ, हर आइटम के लिए आपको पहले आइटम बनाना पड़ेगा, लाइक लेजर पे एक पेज हमें नॉमिनेट करना पड़ता है कि ये पेज इस ड्रग के लिए है। इज लाइक दैट, पेज बनाया तो ये आपको यहाँ से ये इसने लेजर में आपका पेज बना दिया है। अब आपको ये था लेजर का काम, अब मैं आपको बताऊंगा रिसिप्ट कैसे करते हैं। रिसिप्ट में आपको फ्रेश रिसिप्ट करनी है तो यहाँ से आप अपना पीओ सर्च कर सकते हैं, यही आपको आईएमएस में मिलेगा। जब आप फ्रेश पीओ करेंगे तो आप ये विंडो खुल जाएगी कि आपको पीओ नंबर एंटर करना है और आप मेडिसिन का नेम भी यहाँ डाल सकते हैं। दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, आप पीओ नंबर यहाँ डाल सकते हैं, लाइक मेरा पीओ नंबर है 18235011025054। रोजवास्टेटिन 40 mg, ओके। आप पीओ नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, अभी शायद यहाँ कुछ एरर आ रही है, नहीं तो यहाँ से भी आप पीओ नंबर जब डालते हैं तो भी सर्च कर सकते हैं आप। अगर आपका जेम का पीओ है तो आपको जेम विंडो पे जाना है, जेम का पीओ नंबर और पीओ की डेट जो जेम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है वो सब आप यहाँ फिल करेंगे तो सेम विंडो आपको यहाँ भी दिखाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा एग्जाम्पल। अभी हम आईएमएस पीओ की बात कर रहे हैं तो आईएमएस पीओ में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, आप पीओ नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से भी। सिर्फ आपको पीओ नंबर मैच करना है, कभी कभी दो पीओ बने होते हैं लास्ट ईयर का भी सेम ईयर का भी, तो पीओ आप रिसीव कर रहे हैं उसका नंबर जरूर मैच कीजिए। उसके बाद एक्शन पे क्लिक करना है, ये ऑलमोस्ट काफी कुछ आपको फिल कर देगा। सॉरी, यहाँ इनवॉइस नंबर फिल करना है आपको, जो इनवॉइस आपको आया है जिसके अगेंस्ट ड्रग आई है। यहाँ आपको चालान नंबर देना है जिस चालान के अगेंस्ट आपको कुरियर सर्विस ने आपको चालान दिया है और उसकी डेट। अगर हाँ बाय हैंड और लोकल डीलर से आता है आपको तो आप यहां से कॉपी करके सेम यहां डाल दीजिए, ठीक है। हियर यू शुड राइट योर डेट ऑफ इनवॉइस। यहां करनी है कि आपकी डिलीवरी विद इन डीपी होनी चाहिए, डिलीवरी पीरियड अगर नहीं है तो पहले डीपी एक्सटेंशन करवा लीजिए। डिलीवरी पीरियड आपका पीओ से अटैच आएगा, जब आप पीओ नंबर फिल करेंगे तो यहाँ आपको डिलीवरी पीरियड मिलेगा। या दिस इज इन आईएमएस कंडीशंस एंड यू आर योर रिसिप्ट डेट इज दिस, इफ इट इज इन लाइंग इन डीपी तो ओके है, अगर इसके बाद की है तो पहले डीपी एक्सटेंड करवा लीजिए। यहाँ मेक एंड ब्रांड भरना है, अगर आप जैसे यहाँ डालना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, बट हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं कि जिसका बना हुआ है वो यहाँ मेंशन कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको आपका जिसका पीओ बना हुआ है ये क्रॉस चेक हो जाता है कि भाई उसी की मेडिसिन है। लाइक हमारी एमएसएन की आई है तो हम यहाँ टाइप करते हैं, वहाँ सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरर का नेम मिलता है, यहाँ आपको ब्रांड भी हम डालते हैं तो ये अश्योर हो जाता है कि उसी का है। ये ब्रांड नेम कोसुर 40। यहां आप बैच नंबर डालेंगे,
अगर आप HMIS में कोई चीज डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बाकी ड्रग से, यहाँ आप उसका नाम लिख दीजिए। सपोज आपने किसी पेशेंट के लिए स्पेशल मंगवाई है, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं लाइक दैट। अगर कोई मेडिसिन स्पेसिफिक किसी के लिए आई है तो आप यहाँ उसका नाम लिख के वहां डिफरेंशिएट हो जाएगी। जनरली ये प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। आपने मंगवाई है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आप यहाँ पर्पस से उसे बाकी मेडिसिन से अलग कर सकते हैं। ये MSN लेबोरेटरीज आपको यहाँ मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर में, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पैकेजेस रिसीव्ड एंड डिलीवरी डेट, क्वांटिटी डिस्पैच्ड 5000, क्वांटिटी रिसीव्ड 5000, इट मींस इनवॉइस भी 5000 का है, आपको रिसीव भी 5000 हुई है। मे भी आपका इनवॉइस ज्यादा है, आपको रिसीव कम हुई है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं कि इनवॉइस पे कितनी है और आपको कितनी रिसीव हुई है। ओके, लोकेशन जो आपकी लोकेशन है, LLR हॉस्पिटल, रिमार्क रिसीव। ओके, ओके तो दिस इज सेकेंड वन रिसिप्ट पेज। ओके, नाउ आई एम सबमिट मैन। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, आई फॉरगॉट टू एंटर, एक्सपायरी इज 6, हियर यू हैव टू एंटर योर एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो आपको HMIS में भी शो होगी। ओके, सबमिट। यहां आपको चेक करना है कि क्या आपकी PO वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू सब मिल रही है। लाइक ये इनवॉइस 11,088 रुपीज का है मेरे पास, और PO में भी इतने का ही है। तो ये यहां से आपको ये जरूर चेक करना है कि जितनी वैल्यू का PO है क्या उतनी ही वैल्यू बन रही है। उसके बाद ओके जब आप करेंगे तो ये आपका रिसीव हो गया है। अभी तक ये दोनों लिंक नहीं थे, लेजर में हमने पेज बनाया, रिसिप्ट में हमने मेडिसिन रिसीव की। अभी तक जो रिसीव आपने की है वो आपने लेजर में नहीं डाली है, यहां से वो लेजर में डलती है एक्सेप्टेंस से। अब रिसीव आपने की, अब उसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है वो यहां से तय करना है। अगर कोई मेडिसिन आई है तो उसे रिसीव कीजिए, रिजेक्ट करना है तो एक्सेप्टेंस आपके पास ऑप्शन रहती है। एक्सेप्टेंस में जाइए, यहां से सेलेक्ट वाउचर करेंगे तो जो आपने रिसीव किया है वो वाउचर आपको यहाँ शो हो जाएगा। लाइक देखिए, रोजवास 40 का वाउचर मुझे शो हो गया है, इस पे आप एक्शन करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, ऑलमोस्ट फिल रहेगा। यहां आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर आपने रिजेक्ट करना है तो जीरो एक्सेप्ट, कंप्लीटली रिजेक्ट, और अगर फुली, अभी मैं पूरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 5000 कंप्लीट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ आपको स्टॉक लोकेशन देनी है, मे बी आपके वहाँ आया या नहीं आया इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ लोकेशन आती है, एक ऑप्शन आता है आपके पास, यहाँ से आपको लोकेशन डालनी है। यहाँ से आपको सेलेक्ट ऐड करना है और यहाँ क्वांटिटी पुट करनी है जितनी आपके पास आई है। अब यहां आपका जो लेजर पेज आपने बनाया था वहां से आपको उससे लिंक करना है लेजर में डालने के लिए। मैंने बनाया था रोजुवास 40, आप यहां से सर्च कर सकते हैं रोजुवास 1340 MG, या अगर आपको याद है तो आप लेजर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे लेजर थी मेडिसिन, पोलियो था, कार्डियक एंड ड्रग जो हमने बनाई थी रोजवास 40 MG। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, आप सीधा ऊपर नाम लिखेंगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगी। चलिए, यहां से भी आप सर्च कर सकते हैं।
रोज वॉज 40 mg, ओके। यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर आप यहाँ भी मेडिसिन का नाम टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा आपको, वो सब कुछ अपने आप फिल कर देगा नीचे। फिर आपको सबमिट करना है, यहाँ आपको क्वांटिटी दिखाएगा कि आप कितनी क्वांटिटी लेजर के उस रिसीविंग आइटम में ले रहे हैं, तो अगर सही है तो ओके कीजिए। नाउ ड्रग एक्सेप्ट हो गई है, अब आपको ये एक्सेप्ट होने के बाद आपको इशू डेस्क में जाना है। जब आप इशू डेस्क में जाएंगे और गेट ऑल डाटा करेंगे तो आपको आपकी ड्रग रोजवास 40 mg यहाँ शो हो जाएगी। तो करना है HMIS को, ओके इशू। सबसे पहले आपको HMIS इशू पे क्लिक करके यस करना है, अगर आपका लिंक नहीं है तो ये आपको यस नहीं करने देगा, और टिल ये ओके नहीं होता तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको जो पहले से आपके आइटम है उन्हें लिंक करना बताऊंगा, अभी क्योंकि हमने नया आइटम बनाया तो यस हो गया है ये। यहाँ से किस स्टॉक पोजीशन पे आप HMIS में चाहते हैं, जैसे हमारे हमारा है मेन स्टोर, इस लोकेशन, ये सब HMIS का डेटा है, HMIS में आपको कहाँ चाहिए। तो जैसे आप मेन स्टोर क्लिक करेंगे आपको HMIS की आईडी दिखा देगा कि इस आईडी में जाएगा ये, ओके। क्वांटिटी आपको कितनी इशू करनी है, कंप्लीट ही करते हैं हम, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह क्वांटिटी पुट करके आप यहाँ से एक्शन ओके कर देना और इसे इशू कर देना, ओके करेंगे, ओके। ये इशू हो गई है ड्रग HMIS को, ओके। ये आपको विद इन 10 मिनट HMIS में शो होगी, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ होगी, पता होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ आपके पास ऑलरेडी जो ड्रग्स है उनको कैसे कनेक्ट करना है, मैपिंग कैसे करनी है। आप इशू में जाएंगे, गेट ऑल डाटा की जगह आपको अपडेट लोकेशन डिटेल करनी है। आपके भी IMS में होगा ये, जहां इशू करते हो वहां उस विंडो के अंदर अपडेट लोकेशन डिटेल होगी। डोंट हैव अपडेट लोकेशन डिटेल, अगर आपकी ड्रग आपने आपके पास पहले से उसका लेजर और फोलियो बना हुआ है पर वो मैप नहीं है HMIS के साथ, तो यहाँ से आपको मैप करनी होती है। जो लोग UDM यूज करते हैं उनके लिए अपडेट लोकेशन करनी है आपको जिस ड्रग को आप ले रहे हैं। जब भी आपको कनेक्ट करना है ओल्ड एग्जिस्टिंग स्टॉक को करना है, ओल्ड एग्जिस्टिंग आपके पास दो, कभी कभी जब हम रिसिप्ट करके इसे अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें दो ऑप्शन आते हैं रोजोवास 40 के, एक जो ओल्ड लेजर आपकी स्टॉक जो है और एक न्यू जो आपने रिसीव किया। अगर आप इसे बीच में करने मैप करने की कोशिश करते हैं रिसिप्ट या एक्सेप्टेंस के बाद तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक जो करंट स्टॉक आपका है आप सिर्फ उसे उस HMIS आइटम को शिफ्ट करना चाहते हैं, या आगे से जब भी आपका आए तब आप करना चाहते हैं। तो बेटर ओल्ड एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है उसी लेजर को आपको अपडेट करना है। ये खुल जाएगा सारा, इसके सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है HMIS आईडी, देखिए लिंक है मेरी, सिंपल नहीं है तो आप यहां से उसे लिंक करेंगे। यहाँ जैसे मुझे रोजोवास से लिंक करना है सर, रोजोवास 40, ओके। अब ये यहाँ आ गई है, अपडेट करेंगे तो ये लिंक हो जाएगी, ठीक है। ये था, अब मैं आपको HMIS प्रोसेस दिखाता हूँ। आपकी HMIS स्क्रीन है, क्या आप देख पा रहे हैं मुझे? ये आपको IMS चालान रिसीव का ऑप्शन, यहां स्टोर नेम जो आपने जिस स्टोर में पुश किया ड्रग,
जिस स्टोर में आपने वहां से पुश की थी उसी स्टोर में आपको वो पीओ शो होगा, मेन स्टोर। आइटम कैटेगरी, अगर आइटम कंज्यूमेबल था तो कंज्यूमेबल में, और ड्रग है तो ड्रग में। इसका थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, कभी कभी हम आइटम कंज्यूमेबल को ड्रग में पुश कर लेते हैं, तो आपको दोनों जगह चेक करना है। कुछ आइटम्स हम ड्रग में भी रखते हैं, तो आपको दोनों जगह चेक करना है कि हमारा पीओ आया या नहीं। कि मैंने एक आइटम कंज्यूमेबल का पीओ पुश किया था तो मुझे शो हो रहा है, देखिए जेम पीओ है, ये जेम के नाम से आएगा, ये जब आप जनरेट करेंगे यहाँ वो पूरी वैल्यू दिखाएगा कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। और जैसे हाइपोएलर्जेनिक, यहाँ आप रिसीव्ड करके सेव करेंगे तो वो आपको आपकी टोटल ड्रग काउंट में या स्टॉक लाइजर में दिखाई देगा।